आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यूनिट सेकंड से ही लिया गया है और ये लेक्चर है हमारा 18 लेक्चर है, जिसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अर्थात तटस्थता वक्र की विशेषताएँ क्या हैं। तटस्थता वक्र की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व की हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी आपकी पूर्व के लेक्चर में आपको बताया है कि तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र क्या होता है। उदासीनता वक्र वस्तुओं की मात्राओं के विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है, जिनसे एक समान संतुष्टि प्राप्त होने के कारण उपभोक्ता उनके बीच उदासीन हो जाता है या तटस्थ हो जाता है। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता वक्र की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, अर्थात एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। इनकी विशेषता क्या है, उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति तभी होती है जब वह एक वस्तु की मात्रा में कमी करता है और दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है। अतः कहा जा सकता है कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है, डायग्राम में हमने ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा को लिया है और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा को लिया है। जब एक्स वस्तु की मात्रा कितनी है, ओ एन के बराबर है, तो वाई वस्तु की मात्रा कितनी है, ओ पी वन के बराबर है। यदि एक्स वस्तु के कॉम्बिनेशन का पॉइंट कौन सा है, ए बिंदु संयोग का बिंदु है। यदि एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि होकर के ओ एन से ओ एन वन हो जाती है तो वाई वस्तु की मात्रा में कमी होकर के ओ वाई से ओ वाई वन हो जाती है। यह कमी क्यों होती है, क्यों हमें एक समान संयोग के दो वस्तुओं के एक समान संयोग से जो संतुष्टि मिल रही है उपभोक्ता को, उसको अपन तटस्थता वक्र बोलते हैं। इसलिए इसका कॉम्बिनेशन बिंदु कौन सा हो गया, बी बिंदु हो गया। ए और बी क्या है, हमारे ये कॉम्बिनेशन के पॉइंट है, संयोग के बिंदु हैं। किसके हैं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से, उन दोनों के बिंदु कौन से हो गए, ए और बी हो गया। ए और बी बिंदुओं को जिस कर्व के द्वारा मिलाया जाता है उसको अपन बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र कहते हैं। इसलिए अपन तालिका से या डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि तटस्थता वक्र लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। सेकेंड है आपका, तटस्थता वक्र ऊपर उठते हुए नहीं हो सकते हैं। यदि अपन सपोज करें तब पटकी इंडिफरेंस कर लेफ्ट टू राइट डाउन जाता है और यदि ये नहीं जाता है तो पोजीशन क्या बनेगी। सपोज करें तटस्थता वक्र आईसी जो है ओ बिंदु से सीधा पैरेलल होता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर उठती रेखा क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न को देती है ना, और नीचे गिरती हुई रेखा क्या होती है, नेगेटिव रिटर्न देती है। यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा वायु वस्तु की मात्रा कितनी है, ओपी के बराबर है, और एक्स वस्तु की मात्रा कितनी है, ओएन के बराबर है। यदि वायु एक्स वस्तु की मात्रा बढ़कर के ओएन से ओएन वन हो जाती है तो वायु वस्तु की मात्रा भी बढ़कर के ओपी से ओपी बन जाती है। दोनों का एक्स वस्तु और वायु वस्तु का रिलेशन कैसा हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव है। और जब हम एक वस्तु के संयोग दो वस्तुओं से विभिन्न संयोग से एक समान जब संतुष्टि की प्राप्त करना चाहते हैं तो एक वस्तु की मात्रा में कमी करना पड़ेगी और दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना पड़ेगी। क्योंकि डायग्राम में दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये भी पोजीशन इंडिफरेंस कर्व की नहीं हो सकती है। यदि सपोज करें इंडिफरेंस कर्व लंबवत होता है, एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी वर्टिकल, मतलब वर्टिकल मतलब लंबवत होता है, तो इस स्थिति में क्या हुआ है, एक्स वस्तु की मात्रा क्या है, मेरी कांस्टेंट है, और वाई वस्तु की मात्रा में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। यदि हम कहें एक्स वस्तु की मात्रा कितनी है, ओ एन के बराबर है, तब वाई वस्तु की मात्रा कितनी है, ओ वाई के बराबर है। यदि एक्स वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी वाई वस्तु की मात्रा ओ पी से बढ़कर कितनी हो रही है, ओ पी वन हो रही है। जब इस तरह से ओ पी से बढ़कर ओ पी वन हो रही है तो कॉम्बिनेशन बिंदु क्या हो रहा है, ए और बी हो गया है। अर्थात हम देख रहे कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो x वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो हमारा कॉम्बिनेशन के पॉइंट भी क्या होते हैं, अलग अलग बन जाते हैं। और तटस्थता वक्र की विशेषता क्या है, एक ही तटस्थता वक्र पर विभिन्न संयोग के बिंदु होते हैं जो एक समान संतुष्टि को प्रकट करते हैं, इसलिए यह पोजीशन भी इंडिफरेंस कर्व की नहीं हो सकती है। यदि हम कहें तटस्थता वक्र क्षैतिज ही नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी हॉरिजेंटल। यदि हॉरिजेंटल होता है तो हमने जैसा कि अभी पूर्व के लेक्चर में देखा हुआ था कि ओ एक्स पर एक्स वस्तु की मात्रा कांस्टेंट थी, यहां पर क्या है,
वाई वस्तु की मात्रा कांस्टेंट है और एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। डायग्राम में देखने से स्पष्ट हो रहा है यदि वाई वस्तु की मात्रा ओपी के बराबर है तो एक्स वस्तु की मात्रा कितनी है ओएन के बराबर है। यदि वाई वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी एक्स वस्तु की मात्रा ओएन से बढ़ करके ओएन वन हो जाती है। जब वाई वस्तु की मात्रा एक्स वस्तु की मात्रा ओ एन से बढ़ करके ओ एन वन हो जाती है तो कॉम्बिनेशन के पॉइंट भी क्या हो रहे हैं ए और बी बिंदु हैं और इन कॉम्बिनेशन पॉइंट पर हमें स्पष्ट हो रहा है जो आईसी वक्र को स्पष्ट कर रहा है कि दो तटस्था वक्र के दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से एक समान संतुष्टि होना चाहिए तो यहाँ पर एक समान संतुष्टि देखने को नहीं मिल रही है इसलिए अपन कहेंगे ये हॉरिजेंटल भी नहीं हो सकते हैं। हम बात करेंगे एक तटस्था वक्र हमेशा मूल बुंदी की ओर उन्नतोदर या कॉन्वेक्स टू द ओरिजन होता है। एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजन। तटस्था वक्र या उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स टू द पोजिशन होता है ओरिजन होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर का होना जो अभी हमने आपको पूर्व के लेक्चर में बताई थी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है। उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे वह प्रत्येक इकाई के लिए दूसरी वस्तु की कम इकाइयां त्यागने को तत्पर रहता है जैसा कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है। चित्र में हम देख रहे हैं ओ एक्स अक्ष पर अपन एक्स वस्तु की मात्रा को लिया है ओ वाई अक्ष पर अपन ने वाई वस्तु की मात्रा को लिया है। जो अपन ने ऊपर टेबल बनाई थी उसी टेबल को अपन देख रहे हैं कि यदि मान लो एक्स वस्तु की मात्रा इंक्रीज हो रही है बढ़ती जा रही है 1, 2, 3, 4 हो रही है तो वाई वस्तु की मात्रा कितनी है 5, 4, 3, 2, 5, 2, 1। इस तरह से अपन कह रहे हैं कि एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो वाई वस्तु मात्रा में कमी होती जा रही है और ये कमी का स्तर क्या है कि वाई वस्तु की मात्रा में पहले A1 B1 के बराबर है फिर A2 B2 के बराबर है फिर A2 B3 के बराबर है। A1 B1 का डिस्टेंस क्या है अधिक है A2 B2 का डिस्टेंस से और कम है और A3 B3 का डिस्टेंस से और कम है अर्थात A1 A2 A3 A4 इन चारों संयोग के बिंदुओं को मिलाने से जो कॉम्बिनेशन के पॉइंट को मिलाने से जो कर्व प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं आईसी कर्व या इंडिफरेंस कर्व या तटस्था वक्र कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से एक समान संतुष्टि के स्तर को प्रकट करते हैं और इसी को अपन कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजन मतलब मूल बिंदु की ओर इंडिफरेंस कर मूल बिंदु की ओर ओ बिंदु की ओर कॉन्वेक्स टू द ओरिजन होते हैं। अपन बात करेंगे तटस्था वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि प्रत्येक तटस्था वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को प्रकट करता है इसलिए किन्हीं दो तटस्था रेखाओं से एक दूसरे को काटना कभी भी संभव नहीं हो सकता है। यदि ये काटते हैं तो पोजीशन क्या बनती है जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। डायग्राम में हम देख रहे हैं ओ एक्स अक्ष पर अपन वही एक्स वस्तु की मात्रा को लिया है ओ वाई अक्ष पर अपन ने वाई वस्तु की मात्रा को लिया है। यदि अपन देख रहे हैं कि अपने IC1 और IC2 दो इंडिफरेंस कर्व हैं तटस्था वक्र हैं IC1 तटस्था वक्र पर P और P1 बिंदु दो कॉम्बिनेशन के बिंदु हैं जो एक ही तटस्था वक्र पर स्थित हैं और IC2 पर P और P2 दो कॉम्बिनेशन के बिंदु हैं जो एक ही तटस्था वक्र पर स्थित हैं। यदि सपोज करें IC1 और IC2 दोनों तटस्था वक्र एक बिंदु P बिंदु पर एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं तो इस P बिंदु पर हम देख रहे हैं एक्स वस्तु की मात्रा यदि ON1 के बराबर है और वाई तो इस ON1 के बराबर एक्स वस्तु की मात्रा होने पर वाई वस्तु की मात्रा कितनी है पहले OE1 के बराबर है P1 बिंदु पर और P2 बिंदु पर कितनी है OE2 के बराबर है। हम देख रहे हैं एक्स वस्तु की मात्रा ON1 होने के बावजूद वाई वस्तु की मात्रा में दोनों में परिवर्तन हो रहा है इसी बिंदु पर पहले OE1 है और फिर कितनी है OE2 है अर्थात यदि तटस्था वक्र या इंडिफरेंस वक्र कर्व एक दूसरे काटते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन के पॉइंट भी क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं और संतुष्टि का स्तर भी क्या होता है अलग अलग हो जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। हम बात करेंगे विभिन्न तटस्था वक्रों को समानांतर होना आवश्यक नहीं है। यदि सपोज करें तटस्था वक्र एक दूसरे के समानांतर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं यह तटस्था वक्रों की सीमांत प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करता है। यदि दो उदासीनता वक्र या तटस्था वक्रों के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिस्थापन की दर समान है तो वह दूसरे के समानांतर होंगे और यदि प्रतिस्थापन दर समान नहीं है तो वह एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है IC1, IC2, IC3 हमारे तीन इंडिफरेंस कर्व हैं।
IC1 और IC2 दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, लेकिन IC3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, पहले की अपेक्षा अधिक है। तो हम कह सकते हैं ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, इसकी सब्स्टिट्यूशन रेट है ना, डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन रेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि वो समान रहेगा तो ये भी समान रहेंगे, और यदि ये समान नहीं रहेगा घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, तो ये भी समान नहीं रहेंगे। और मोस्टली सीमांत प्रतिस्थापन दर जो घटती हुई होती है वह एक समान नहीं होती है, इसलिए अपन कह सकते हैं इंडिफरेंस कर भी एक समान नहीं होते हैं। हम बात करेंगे जित ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतोष देता है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिफ्ट ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। एक तटस्था मानचित्र में जो तटस्था वक्र जितना ऊंचा होता है वह उतने ही अधिक संतोष को प्रदान करेगा, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। जो हमने तटस्था मानचित्र भी बनाया था उसमें भी हमने इस बात को आपको बताया हुआ था, और विशेषताओं के अंतर्गत भी ये बात आ रही है कि ओवेक्ष अक्ष पर अपन ने वस्तु की मात्रा को वही लिया है, और एक्स वस्तु की मात्रा को वाई अक्ष पर अपन ने वाई वस्तु की मात्रा को दिया है। IC1, IC2, IC3, IC4 ये हमारे चार इंडिफरेंस कर्व हैं। ये चारों इंडिफरेंस कर्व की विशेषता क्या है कि एक तटस्था मानचित्र में, एक तटस्था वक्र में डायग्राम में चार इंडिफरेंस कर्व हैं। ये चारों डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व अलग अलग संतुष्टि को स्तर प्रकट कर रहे हैं, और जितना कम नीचे वाला तटस्थ वक्र है उतनी कम संतुष्टि को स्तर को प्रकट करता है, और जितना ऊंचा तटस्थ वक्र होता जाएगा उतनी ही उसकी संतुष्टि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। हम बात करेंगे तटस्थ वक्र अक्षांशों को नहीं छूते हैं। अक्षांश मीन्स क्या होता है, एक्स और वाई जो एक्सिस होते हैं इनको अपन अक्षांश बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच टू द एक्सिस। यदि तटस्थ वक्र किसी भी अक्षांश को छूता है तो वह वस्तुओं का कॉम्बिनेशन जो रहता है वह नहीं बन पाता है, जबकि तटस्थ वक्रों की यह मान्यता है कि ये वक्र दो वस्तुओं की मात्राओं के विभिन्न संयोग को प्रकट करते हैं। जैसा कि डायग्राम स्पष्ट है कि जो हमारा IC तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व है वो ये बिंदु पर वाई अक्षांश को टच कर रहा है। किस बिंदु पर, ए पॉइंट पर वाई एक्सिस को टच कर रहा है। इस वाई एक्सिस पर हम देख रहे हैं कि वाई वस्तु की मात्रा कितनी हो गई है, ओए हो गई, और एक्स वस्तु की मात्रा कितना, ना कुछ भी नहीं है, शून्य है। अर्थात यदि कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को छूता है तो वहां पर एक वस्तु की मात्रा में तो क्वांटिटी होती है, दूसरे की वस्तु मात्रा शून्य होती है। लेकिन तटस्थ वक्र की विशेषता यह नहीं है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से एक समान संतुष्टि के स्तर को लेकर आना है, इसलिए ये अक्षांशों को भी नहीं छुएंगे। और नेक्स्ट है विशिष्ट आकार के तटस्थ वक्र, स्पेशियल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कुछ तटस्थ वक्र किस तरह के होते हैं, विशेष आकार के लिए होते हैं, जैसे सीधी रेखा के रूप में तटस्थ वक्र होते हैं, स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व। जब तटस्थ वक्र का आकार सीधी रेखा के रूप में होता है या उस समय संभव होता है जबकि वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसी होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है या स्थिर रहता है, तो ये ऐसी स्थिति सीधी रेखा के रूप में तटस्थ वक्र होता है। पूर्ण स्थानापन्न परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वस्तुओं के लिए तटस्थ वक्र सीधी रेखा के रूप में होता है। और सेकंड आपका समकोणीय तटस्थ वक्र, इंडिफरेंस कर्व्स विद राइट एंगल। जब समकोणीय राइट एंगल के रूप में इंडिफरेंस कर्व होता है, ये कब होता है, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की परफेक्ट कंप्लीमेंट्री मतलब पूर्ण पूरक होती हैं तो इंडिफरेंस कर्व समकोणीय या L आकार का होता है।